हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और फिर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भादो चौथ पर चांद के दर्शन करता है उनके ऊपर कलंक लगने का खतरा रहता है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। अगर गलती से आपने चांद देख लिया तो क्या करें? गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित समय 6 सितंबर 2024 को वर्जित चंद्र दर्शन का समय 3:01 से 8:16 तक। 7 सितंबर 2024 को वर्जित चंद्र दर्शन का समय सुबह 9:30 से 8:45 तक। चलिए आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों नहीं करते। चतुर्थी के मौके पर चंद्रमा को नहीं देखने की मान्यता है। इसे लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक ये भी है कि जब एक बार श्री गणेश धरती लोक की परिक्रमा करने के लिए निकले थे, इस दौरान सभी देवी देवता उन्हें नमन कर रहे थे, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी चमक, रोशनी और खूबसूरती के गुमान में उनके गजानन मुख का मजाक उड़ा दिया था। उनके इस अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान गणेश ने उन्हें सदैव के लिए काले होने का श्राप दे दिया था। इस घटना के बाद जब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इसके लिए बप्पा से क्षमा मांगी, जिस पर गणेश जी ने उन्हें कहा कि ये श्राप पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन इसे कम अवश्य किया जा सकता है। तब उन्होंने इसका प्रभाव कम करते हुए कहा, जो लोग चतुर्थी के मौके पर चांद को देखेंगे उन्हें बेवजह कलंक का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भादो की चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। वहीं अगर गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो क्या करें? चलिए आपको बताते हैं। अगर चतुर्थी तिथि पर आपको चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो आप कलंक से बचने के लिए 5 पत्थर किसी दूसरे की छत पर फेंक दें। मान्यता है कि इससे दोष समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।